सद्द सार भद्द या भद्दी का अक्सर आपने सुना होगा। लोग बड़े जोश से बोलते हैं या बड़े अफसोस से बोलते हैं, कई बार गाली दे के बोलते हैं, कहते हैं इसने हमारी भद्द पिटवा दी, या आज हम इसकी भद्द पिटवाएंगे, या इसकी भद्द उतार देंगे, या ये बड़ा होशियार समझता है, आज इसकी भद्द पिटेगी, बड़ा ये अपने आप को तेज तर्रार समझता था, देखो कैसी भद्द पट गई, या ये तो बड़ा अच्छा अपने आप को बताता था, आज इसकी सारी भद्द उतर गई। इस तरह से आपने सुना होगा और भद्दा सुना होगा। भद्दा का मतलब होता है फीका, जैसे कहते हैं कि इस दीवार का रंग तो बड़ा भद्दा है, यानी कि बेकार है, या ये तो चीज़ बड़ी भद्दी हो गई, यानी खराब हो गई। यानी भद्दा का मतलब होता है निगेटिव, खराब होना, जो फीका है। ये भद्दा का मतलब आज के समय में होता है, या भद्द का मतलब होता है। जब हम ये कहते हैं कि इसकी भद्द पिट गई, भद्द पिट गई, इसका मतलब यह है कि भद्द कोई अच्छी चीज़ है जो पिट गई, यानी खराब हो गई। आप समझिए इस सेंटेंस को कि जैसे हम ये कहते हैं कि उसकी भद्द उतर गई, इसका मतलब है कि भद्द कोई अच्छी चीज़ होती है जो उतर गई, या हम कहते हैं कि इसकी भद्द खराब कर देंगे, तो इसका मतलब है कि भद्द कोई बहुत पॉजिटिव अच्छी चीज़ है जो कि खराब करनी है। तो भद्द आज की भाषा में भी अच्छी चीज़ है, जबकि भद्दा खराब है। पाली के अंदर जो भद्द है, भद्द का मतलब होता है नोबल, यानी आदर्श, और अच्छा, और श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ यानी जो अच्छा है। पाली के अंदर जो गुड वन होता है, जो अच्छा माना जाता है, उसको भद्द बोलते हैं। और अगर कोई भद्दा है या भद्दी का है, तो भद्दा का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति है, ऐसा मेल है, ऐसा पुरुष है जो श्रेष्ठ है, जो नोबल है, जो अच्छा है। और अगर भद्दी का है, तो वो कोई स्त्री है, कोई महिला है, कोई औरत है जो श्रेष्ठ है, जो नोबल है, जिसको हम दुनिया को आइडल बता सकते हैं, या दुनिया को उसका अनुकरण करने के लिए बोल सकते हैं, वो भद्दी का हो गई, और पुरुष हुआ तो भद्दा हो गया। जिस भी सबसे पहले भद्द लगा देते हैं पाली के अंदर, वो अच्छा हो जाता है। यानी भद्द जो शब्द है, इसका मतलब है कल्याणे, यानी कि जो कल्याण करने वाला है, जो कल्याणकारी है, जो अच्छा है, जो गुड है। यानी जैसे भद्द पीठ है, यानी कि कोई कुर्सी है, बैठने की जगह है, अगर वो भद्द पर लगा दिया तो वो अच्छी सीट हो गई। या भद्द मुख हो गया, यानी किसी का मुंह अच्छा है तो उसको भद्द मुख बोलेंगे। या भद्द युग, यानी दो जोड़ा अगर अच्छा है, किसी मेल का फीमेल का जोड़ा अच्छा है, तो उसको बोलेंगे भद्द युग। या आपने एक महीने का नाम सुना होगा भाद्र या भद्र, भद्रपदा भी बोलते हैं, भाद्रपदा भी बोलते हैं, और भादव भी बोलते हैं। तो ये भद्रपदा जो होता है, ये एक आकाश के जो तारे होते हैं, उन तारे के समूह का नाम रखा हुआ है भद्र, उसको हम बोलते हैं भद्रपदा। यानी जब उस महीने में आता है, तब उसको भद्रपदा बोलते हैं। तो ये महीने का नाम भी है। एक भद्र दारू होता है, यानी पेड़, दारू जो होता है पेड़ को बोलते हैं, बहुत अच्छे पेड़ जो होता है उसको भद्र दारू बोलते हैं, और बहुत अच्छा जो घड़ा होता है उसको भद्र कुंभ बोलते हैं। भद्र जिस भी सबसे पहले लगा देंगे, वो अच्छा हो जाता है। एक अंग जो जनपद था, यानी कि जो अंग प्रदेश था, अंग प्रदेश के अंदर एक शहर था, उसका नाम भद्य था, और भगवान बुद्ध वहाँ कई बार, कई मर्तबा वहाँ गए, और वहाँ उन्होंने विजिट की और रहे। भगवान बुद्ध की जो पहले पत्नी रही हैं, क्योंकि बुद्ध होने के बाद तो पत्नी से कोई संबंध रहा नहीं, क्योंकि बुद्धों का पत्नी से संबंध नहीं होता, बुद्ध बिल्कुल इंडिविजुअल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, वो क्योंकि वो सिर्फ इसलिए जीवित रहते हैं कि लोगों को वो शिक्षा दीक्षा दे सकें, बाकी उनके सारे जो बंधन हैं वो खत्म हो जाते हैं। मगर सिद्धार्थ गौतम की जो पत्नी थी, उनका नाम था भद्द कच्चाना, यानी यशोधरा जो नाम है वो पाली का नाम नहीं है, शय पाली में नहीं होता, इसलिए यशोधरा बाद में बदल दिया नाम है उनका, उनको भद्द कच्चाना भी बोलते थे, राहुल माता भी उनका नाम था। और कोई किसी को अगर हम ये कहते हैं कि भद्दक है, तो भद्दक का मतलब ये हो गया कि वो उसका गुण हो गया कि ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, और ये नोबल है। बाद में जितने भी लोग थे जो उस समय के अच्छे लोग थे, भद्दक और भद्दिका थे, भद्दा भद्दिका भद्दक जो भी लोग थे, उनको खराब और निगेटिव बताया गया। आज भी हम कहते हैं कि इसकी भद्द उतारनी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मगर अगर हम भद्दा बोलते हैं या भद्दा कहीं किसी को कहते हैं, तो ये निगेटिव में आता है, खराब में आता है। इसलिए भद्द जो शब्द है बहुत पॉजिटिव और बहुत बढ़िया शब्द है, क्योंकि ये राहुल माता और सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम भी है, और ये एक शहर का नाम भी है, और ये उस समय जो भद्दा और भद्दी का बोला जाता था, ऐसे बहुत सारे आइडियल पुरुष हुआ करते थे। धन्यवाद।